और कैसे हैं आप? हमारी तो मैं ती तुम्हारा नहीं। आप कैसे हैं बोलो। इनसे इनकी खैरियत तो पूछ लो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन, वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, 17वें रोज़े का आगाज़ हो चुका था। ये थी उस 17वें रोज़े की सहरी की पिक्चर। और चूँकि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि हमारा जो स्टोव रिपेयर होने के लिए गया है तो हम 2 दिन के लिए मुकम्मल सिलेंडर के ऊपर हैं, तो फिर इसलिए कोई ख़ास ऐसी वीडियो बनाई नहीं। बस झटपट काम करने होते थे, एक के बाद एक चीज़ इस तरह करते करते सहरी के 5 बज गए थे। आज सबसे लेट सहरी बनी क्योंकि मेरे पास स्टोव पे की था, तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली सहरी बन गई। खैर, एनी हाउ 17वें रोज़े की सहरी की पिक्चर वीडियो थी जो कि मैंने थोड़ी सी शूट कर ली थी आप लोग के लिए। और फिर जो है कहते हैं, अब हम आपसे शेयर करेंगे 18वें रोज़े का वी लॉग। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे चलकर। Tomorrow. कल 17वें रोज़े की शाम को हमारे पास चूल्हा आ चुका था, लेकिन उसके आने से पहले हमारा तमाम काम हो गया था। तो जब चूल्हा आया था, हमने सोचा कि नया चूल्हा आया है रिपेयर होकर, तो उस पर कुछ अच्छा बनाया जाए। अच्छा मुराद के 2-4 दिन से बस एविंग टैविंग से बना रहे थे। एविंग टैविंग से मुराद के मतलब ऐसा ही काम कर रहे थे कि जिसमें हमारा गैस का इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि हम सिलेंडर पर काम कर रहे थे। तो बस हमने कहा कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो आज मैं स्पेशल बना रही हूँ ये मटन कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। तो वो मैंने सबसे पहले चढ़ा दी। और मज़े की बात ये कि आज मैं कुछ स्पेशल भी बनाने का सोच रही थी, और आज मैं दोपहर में सो भी गई। मैंने नैप ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला, मेरी आँख खुली है 4:30 बजे। 4:30 बजे मेरे पास चने जो है क्या कहते हैं, मैंने भिगो के नहीं रखे थे और कुछ भी नहीं, और सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने 4:30 बजे की बात करना स्टार्ट करी। आप देखिए मैंने कैसे मैनेज करा। चलिए आइए आज आप इसकी वीडियो में देखिए। सबसे पहले तो मैंने मटन रख दिया है पकने के लिए, कढ़ाई रख दी है पकने के लिए। कढ़ाई का प्रोसीजर कर लिया मैंने। टमाटर के छिलके हल्के निकाल के मसाला डाल के पानी डाल के इसको गोश्त को गलने के लिए रख दिया। अब नेक्स्ट आऊँगी मैंने आधे पौन घंटे के लिए, जस्ट जो है कहते हैं अभी जब सो के उठी तो मैंने काले चने भिगो दिए थे। अब यहाँ पे जो मैं काले चने जो है कहते हैं इसको कुकर में बनाऊंगी आज मैं। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं चने जो हैं कुकर में बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुकर में चने बनाने से डर लगता है ऑब्वियसली। और जो है कहते हैं मैंने सुना है ऐसा कि कहते हैं चने जो हैं कहते हैं वो उसका छिलका विलका फंस जाता है कुकर के अंदर, तो जिसकी वजह से जो कहते हैं वो ब्लास्ट भी हो सकता है कुकर। तो ये मैंने कुछ एक तरीके से चैलेंज एक्सेप्ट करा कि मुझे आज चने कुकर में बनाने हैं। अल्लाह का नाम लेकर आयतल कुर्सी वगैरह पढ़कर मैंने ये कुकर जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया कि जो कहते अल्लाह करे इंशाल्लाह बन जाए इस पर अल्लाह का नाम लेकर। और जो नहीं कहते बस इसको मैंने कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया और के जो है अब देखेंगे क्या होता है, क्योंकि कुकर भी मेरे पास सबसे बड़े साइज़ वाला है 11 लीटर वाला, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा कुकर होगा उतना ही बड़ा ब्लास्ट होगा। तो बस मैंने अल्लाह का नाम लेके कुकर पर चढ़ा दिया है। थोड़ी बहुत इधर उधर से टिपली कि हाँ भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है, लोगों से के उनके रिव्यूज़ जाने, यूट्यूब पर सर्च करा, फिर मेरी थोड़ी हिम्मत बंधी और फिर मैंने हिम्मत बंधाते हुए जो ना कहते हैं ये कुकर कर दिया था बंद। अब यहाँ पर जो है कहते हैं जनाब मैं आ गई थी अपनी तीसरी चीज़ की तरफ। जिसका सामान वामान भी घर में मौजूद था, वेजिटेबल्स थी चिकन भी था और वो चीज़ भी बस मौजूद थी। स्पेगेटी बड़े दिन से बनी भी नहीं थी, बच्चे फरमाइश भी कर रहे थे। मैंने कहा चलो आओ आज स्पेगेटी बना लेते हैं। तो यहाँ मैं स्पेगेटी की कटिंग करने लगी और दोनों चूल्हे मेरे मसरूफ़ हो चुके हैं कि एक चूल्हे पर मेरी कढ़ाई बन रही है, दूसरे चूल्हे पर कुकर चढ़ा हुआ है जिसमें बन रहे हैं चने। तो बस यहाँ पर मैंने स्पेगेटी की कटिंग शटिंग करी और जस्ट जो है कहते मैंने इसको जो है कहते इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो बस जब स्पेगेटी बॉयल हो, क्योंकि जब मैं चनों की तैयारी कर रही थी प्याज़ काट रही थी तब मैंने स्पेगेटी बॉईल कर लिए थे। तो स्पेगेटी बॉईल हो तो झटपट फटाफट जो है ना बन जाते हैं, और मुझे स्पेगेटी बॉईल स्पेगेटी के बाद और
गया और वेजिटेबल्स कटती थी, उसके बाद मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे, मैं मुश्किलों में स्पेगेटी हो गए थे तैयार, स्पेगेटी हो गए थे तैयार, कढ़ाई भी तकरीबन गल चुकी थी, बस मुझे उसको भूनना था, तो मैंने उसको कर दिया था साइड, क्योंकि मैंने कहा खाना तो खाएंगे रात को, अभी पहले इफ्तारी का काम कर लूँ, तो बस यहाँ पर मैंने उसको कर दिया था साइड पे कढ़ाई को, और कुकर का मुझे अंदाज़ा नहीं था चनों का, तो मैंने 10 मिनट बाद खोला, चने नहीं गले थे, फिर मैंने दोबारा कुकर बंद कर दिया, फिर उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद खोला, तो इट्स मीन के अब मुझे पता चल गया कि चने पकाने के नहीं, कम से कम जो ये कहते हैं आपको 1 घंटा लगता है कुकर में। A few moments later. तो इतना भी यार मेरी इफ्तारी बनके तैयार हो चुकी थी, इफ्तारी में थे मज़ेदार से चाउमीन स्पेगेटी, स्पेगेटी जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली ईजान को बहुत पसंद है, रूहान ने थोड़ा इसको अवॉइड करा क्योंकि इसमें सब्जियां नज़र आ रही हैं, इसमें जो सब्जी जो पड़ी है ना ये स्प्रिंग अनियन जो है ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है, यानी कि मेरी अपनी खुद की हाथ की उगाई हुई है, तो मैंने कहा आज मैं इसको भी अपने इस्तेमाल में लेकर आती हूँ, तो ये मैंने अपने पौधे से तोड़ी है ग्रीन अनियन स्प्रिंग अनियन अपनी स्पेगेटी के लिए, और अच्छी बनी थी स्पेगेटी, नॉट टू मच स्पाइसी नॉट लेस स्पाइसी, अच्छा कॉम्बो था, और यहाँ पर मेरे छोलों वाला जो था चैलेंज जो था वो भी कंप्लीट हो गया, और बहुत ज़बरदस्त से मज़ेदार से छोले बन गए थे, और एक आइडिया हो गया कि जहन में कि अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि मैं भिगो ना सकूँ छोले और या फिर कुछ ना बन पाए, तो मैं कुकर में भी बना सकती हूँ। अच्छा तो बन गए थे छोले, और तकरीबन इसको कुकर छोले खिलाने के लिए कम से कम 50 मिनट के लिए आपने कुकर चलाना है मस्ट, और इसके अलावा मैंने बना लिए थे पकौड़े बना लिए थे, मिक्स वेजिटेबल्स के पकौड़े बना लिए थे, और इसके अलावा था हमारे पास सीज़न का पहला फ्रूट जो था हमारे घर में आया था वाटरमेलन का, जिसको बच्चे बहुत फरमाइश कर रहे थे कि हमें वाटरमेलन खाना है, तो बस ये आ गया था वाटरमेलन, और इसी की तरह हम करते हैं अपनी वीडियो का अख्ताम, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।